हमारी सीता हमारे लिए, सीता माता हमारे लिए बड़ी पूज्य है, और हम उसको ऐसी व्यवस्था में नहीं देख सकते। तभी आई थिंक एम एफ हुसैन का भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था, उनका उनको यहाँ से जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने हमारे गॉड्स को नेकेड पेंट किया था। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या जो हमारे कला में हिस्सा लेते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों के सेंटिमेंट से ना खेलें, क्योंकि देखने कौन आएगा, वही जनता आएगी जिनके लिए वो पूज्य नहीं है। उत्तराखंड मूल की बेटी और सिनेमा जगत की ख्याति प्राप्त अभिनेत्री एवं देवकी भौजाई के नाम से प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं वरिष्ठ रंगकर्मी हिमानी शिवपुरी ने उत्तराखंड के रंगकर्मियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। राजधानी देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में जानी मानी नाट्य संस्था कला मंच द्वारा हिमानी शिवपुरी को आमंत्रित किया गया था। उत्तरांचल प्रेस क्लब के सभागार में आयोजित परिचर्चा का उद्घाटन हिमानी शिवपुरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके उपरांत वरिष्ठ रंग कर्मियों द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र से सम्मानित कर उनका स्वागत किया गया। स्वागत कला मंच की अध्यक्ष वरिष्ठ अभिनेत्री रंगकर्मी डॉक्टर जागृति डोभाल, कोषाध्यक्ष राजीव जैन एवं अभिनंदा द्वारा किया गया, जिसके उपरांत एक परिचर्चा रंगमंच एवं रंगकर्मी तब और अब में युवा रंगकर्मियों द्वारा हिमानी शिवपुरी के उपस्थिति में हर्ष व्यक्त करते हुए अपनी कई शंकाओं के सवालात किए गए। हिमानी शिवपुरी द्वारा सभी के सवालों का बड़े ही नम्रता व बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया गया। परिचर्चा के दौरान हिमानी शिवपुरी द्वारा अपनी रंगमंच की यात्रा के उपरांत विभिन्न सीरियलों में अपने अभिनय का लोहा मनाने से लेकर देव की भौजाई के रूप में देश विदेशों में अपनी पहचान बनाने के साथ फिल्म जगत में चरित्र अभिनेत्री एवं अभिनेत्री के रूप में अपने अनुभव साझा किए गए एवं रंगमंच के क्षेत्र में तथा सिने जगत में जाने की अपेक्षा रखने वाले रंगकर्मियों को विशेष गुरु मंत्र भी बताए गए, जिसमें कड़ी मेहनत, लगन एवं आत्मबल पर जोर दिया गया जो किसी भी मंजिल तक पहुँचने के लिए आवश्यक है। साथ ही हिमानी शिवपुरी से पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर भी हिमानी ने खुलकर जवाब दिए, जिसमें से एक अहम सवाल था वर्तमान में चल रही देश भर में आदि पुरुष फिल्म, जिसमें माता जानकी को अर्धनग्न अवस्था पर दिखाया गया है, जिसपे हिमानी शिवपुरी ने अपना खासा विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि सभी निर्माता निर्देशकों को जनता की जनभावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फिल्म को देखने के लिए जनता जाती है और जनता की अपनी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं के साथ किसी भी रूप में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को नेचुरली हमारी सीता हमारे लिए, सीता माता हमारे लिए बड़ी पूज्य है, और हम उसको ऐसी व्यवस्था में नहीं देख सकते। तभी आई थिंक एम एफ हुसैन का भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था, उनका उनको यहाँ से जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने हमारे गॉड्स को नेकेड पेंट किया था। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या जो हमारे कला में हिस्सा लेते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों के सेंटिमेंट से ना खेलें, क्योंकि देखने कौन आएगा, वही जनता आएगी जिनके लिए वो पूजनीय है। तो उनको थोड़ा सा आप, हम मानते हैं कि उन्होंने सच्चाई दर्शाने की कोशिश की उस टाइम जब सीता माता जंगल में गई थी, तो उसने छाल और यही पहने थे क्योंकि उनको सब त्यागने पड़े थे, एक ही धोती में निकली थी वो, तो उसको जो भी उसने वहाँ वो क्या होगा किसको क्या पता। लेकिन हमको थोड़ा सा अपने ऑडियंस के हिसाब से उनके सेंटिमेंट्स, क्योंकि ये हमारे लिए, सीता इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी, ये हमारे लिए माता है, हमारी भगवान है हमारे लिए, और हम मतलब भगवान को ऐसे नहीं देख सकते। तो उनके जीवन की जर्नी क्या इनके साथ साझा किया कि मैं कैसे देहरादून में थिएटर करती थी, फिर दिल्ली थिएटर पढ़ने के लिए गई, और फिर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की, तो सारे इंसिडेंट्स बताए मैंने। और अब एक सवाल क्वेश्चन आंसर का सेशन हो रहा था मेरी जर्नी से लेकर, और यंगर जनरेशन चाहते थे कि कैसे वो सक्सीड करें, तो वही सब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। हम गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि अब उत्तराखंड में भी देहरादून में खासकर फिल्म सिटी का निर्माण करेगी, कैसे देखते हैं गवर्नमेंट के इस कदम को? नहीं, बहुत अच्छा है कि जितना कम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है, गाँव में बहुत ही असुविधाएं हैं, लोगों के पास सुविधाओं की एकदम कमी है, महिलाएं रह गई है जो जो कहते हैं पलायन सबसे बड़ी समस्या है।
तो हमारी कला को भी थोड़ा सा, क्योंकि वो हमेशा कला और संस्कृति लास्ट आती है, तो मुझे मेरा सरकार से यही अनुरोध होगा कि अपने कलाकारों के बारे में और थिएटर और गढ़वाली उत्तराखंडी गढ़वाली कुमाई जितनी भी उत्तराखंडी फिल्म के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि लोग आके फिल्म बना रहे हैं बाहर के लोग और हमारे भी थोड़ी बहुत फिल्में बन रही हैं, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि एक राज्य का विकास उसकी कला और संस्कृति का भी विकास होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं NIU News India Update।